कल सीए परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिनमें एक बार फिर झुंझुनू के युवाओं ने अपनी धाक जमाई है। करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने कॉमर्स फैकल्टी की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर न केवल परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित महसूस कराया है। इन युवाओं ने बताया कि उन्होंने केवल पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए रात रात भर और सुबह जल्दी उठकर तैयारी की और पहले ही प्रयास में इस सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर लिया। उनसे जानते हैं उनकी सफलता के राज। ये है झुंझुनू की चिड़ाव की रहने वाली लवीना अग्रवाल। लवीना ने कल घोषित हुए सीए परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल की है। इसके बाद अब लवीना अपना नाम भी फख्र के साथ सीए लवीना अग्रवाल बताती है। लवीना ने बताया कि उन्होंने 14-14 घंटे तक पढ़ाई की है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना उनके लिए सर्वाधिक मददगार हुआ। लवीना ने 12वीं में भी न केवल अपनी स्कूल बल्कि पूरे झुंझुनू को टॉप किया था। लवीना के पिता मुकेश अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कभी भी बेटी को स्ट्रेस नहीं लेने दिया। वे हर बार कहते कि फेल हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बेटी हर बार पिता को कहती क्यों होंगी फेल, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। सीए लवीना अग्रवाल, डॉटर ऑफ मुकेश कुमार अग्रवाल एंड उषा अग्रवाल। टुडे इज अ वेरी प्राउड डे फॉर मी एज आई हैव फुलफिल्ड द ड्रीम्स ऑफ माय होल फैमिली एंड इट जस्ट हैपेंड बिकॉज All these family members have prayed for me and supported me. It is the consistent hard work and their prayers that has contributed and led me to a destination where I am standing today. Cheers to all the my family members, my friends who prayed for me and my hard work of consistent study of 14 hours each day without a break and compromising with all my happiness that has led me to add a prefix chartered accountant in front of my name. Thank you. For my preparation, I must suggest that I used to prefer study in the early mornings. For that, I used to have minimum sleep of at least 6 to 7 hours. In the night, I used to go bed too early and start my study on regular basis on early morning only. I used to adopt a continuous schedule which I had made from the very first day, as I have well prepared in my mind that I have to do that. Secondly, I used to prefer the revision videos even my spare time, and I have prepared my handwritten notes. And the another thing which I will suggest is that consistency and your self-motivation. These are the two things which can help you to achieve this, because everybody has a presumption that CA is tough. No, CA is not tough. It requires your persistent efforts and your willpower so that you can accomplish them. If a person is the important thing which I had is that the continuous support of my brother, my father and my mother. They used to say me that no matter you clear it or not, but at least you tried it. And this is the thing, I used to practice my revision papers, mock test papers by setting the time of minimum 3 hours or less than that which is being allotted in the exams. My only efforts was that I have to complete the paper no matter what. And the another thing is that prepare your self notes, because they are the only things which will help you in making the revision in the for the last 10-15 minutes. This is how I prepared for my CA exam and make sure that I will nail it this time. आज मेरी बेटी CA बनी है। हमारे पूरे घरवालों को इस बात से बहुत बड़ी खुशी मिली है। इसने कभी भी अपने मन से हार नहीं मानी। खूब मेहनत करती थी, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अपनी पूरी लगन से करती थी। कभी कभार मैं भी कहता था इसको, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। पूरी लगन से, पूरी मेहनत से सफलता को प्राप्त की है। मेरी बेटी का बचपन से ही सपना था कि मैं कोई सीए बनूं। शुरू से बचपन से ही ये काफ़ी मेहनत करती थी ना। प्लस टू क्लास के अंदर भी इसने पिलानी टॉप किया है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। 97.6% लाए कॉमर्स के अंदर पिलानी शिशु बिहार स्कूल से। ये है झुंझुनू की आयुषी टिबड़ा, जो सीए केवल अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए बनी है। आयुषी टिबड़ा ने बताया कि 2 साल पहले उनके पिता संजय टिबड़ा का निधन हो गया था। उनके पिता चाहते थे वह सीए बने। इसके लिए उन्होंने कई सपने भी देखे थे, लेकिन अचानक पिता का निधन हो गया, जिसके बाद आयुषी भी टूट गई थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तब उसके दादा ओम प्रकाश, दादी द्रौपदी और माँ कविता टिबड़ा ने हौसला दिया। आयुषी यह सोच रही थी कि यदि वह सीए बन भी जाएगी तो उस पर खुशी व्यक्त करने वाले उनके पिता तो हैं ही नहीं, पर फिर सोचा कि वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और आज जिस तरह परिवार में खुशी है, उन्हें भी लग रहा है कि उनके पिता उनकी सफलता पर खुश हैं।
मेरा नाम आयुषी टीबड़ा है। मैंने सीए फाइनल न्यू कोर्स से मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैंने 7 पेपर दिए थे। लास्ट टाइम मैंने 8 पेपर्स दिए थे बोथ ग्रुप, लेकिन उसमें मेरा सिर्फ 1 पेपर क्लियर हुआ था और अभी मैंने 7 पेपर बोथ ग्रुप वापस दिए थे, तो इस बार मेरा क्लियर हो गया है। हाँ, फादर के लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे दादा दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे चाचा चाची ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हाँ, ये तो है कि हाँ उनकी कमी तो थी, लेकिन फिर भी सबने वो पूरी की है और किसी ने सबने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। ऐसा नहीं था कि मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था तो उन थोड़ा ऐसे हो गया हो, यूँ बोलते थे कि कोई बात नहीं, हमारा अगली बार ज़रूर होगा, मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। हाँ, ये मेरे पापा का सपना था। पहले एक बार तो लगा था कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब मैं किसको बन के दिखाऊंगी सीए, लेकिन फिर बाद में ऐसे हुआ कि नहीं, वो देख तो रहे ही हैं तो मुझे करना है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मई 2020 था, पर कोरोना की वजह से मुझे नवंबर 2020 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसके बाद वापस से इस ईयर के अंदर 2021 में भी वापस लॉकडाउन या फिर पोस्टपोनमेंट की वजह से जुलाई में एग्जाम लगे थे। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सभी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग। और बहुत टाइम बाद लॉकडाउन, कोरोना और सब कुछ फादर के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा खुशी आई है घर में। परिवार में यहाँ नहीं है, पर हाँ मेरे कज़न हैं, उन्होंने भी मुझे गाइड किया था। मेरे भैया हैं, एल्डर ब्रदर हैं मेरे, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया था कि कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, ये सब तो होता रहता है ऐसे। तो कहाँ जा? नहीं, मैंने झुंझुनू में ही तैयारी की थी और घर पे रह के ही की थी। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी शुभम चनानिया की सफलता की खुशी उनके बुजुर्ग दादा चांदमल चनानिया को भी है। शुभम ने बताया कि उनकी बहन स्वीटी पहले से ही सीए है। स्वीटी ही उनके लिए हमेशा प्रेरणा रही। उनकी प्रेरणा तथा पिता अनिल चनानिया व माँ सीमा मित्तल के साथ साथ दादा चांदमल चनानिया के आशीर्वाद से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और यह सफलता हासिल की। शुभम ने बताया कि उन्होंने खुद को पढ़ाई से कभी दूर नहीं किया, ट्रेनिंग में भी पूरा टाइम दिया और रात दिन पढ़ाई करके यह मुकाम हासिल किया है। मेरे बेटे शुभम ने सीए की परीक्षा पास की। हमारे घर में मेरी बेटी भी पहले सीए पास कर चुकी है, आज इसने सीए पास की, हमें गौरवान्वित किया है, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लगन ने, इसकी मेहनत ने, ये सब इसी का परिणाम है। पूरी रात रात पढ़ाई करता था, उसी से इसने सीए पास किया। आज मेरा बेटा शुभम सीए बना, उसकी मुझे बहुत खुशी है। ये सब इसकी मेहनत और लगन का ही फल है। इससे पहले मेरी बड़ी बेटी भी सीए बन चुकी है, इसकी मेहनत का ही फल है जो आज ये सीए बना। इसने पूरे परिवार का नाम आज खूब रोशन किया है। मैंने आज सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसका श्रेय मैं मेरे दादाजी श्री चांदमल जी चनानिया को देना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये मुमकिन हुआ। मेरे माता और पिता ने मेरा हर मोड़ पे समर्थन किया एवं मुझे हमेशा प्रोत्साहन किया आगे बढ़ने के लिए। मैं पूरा श्रेय मेरे माता पिता और दादाजी को देना चाहता हूँ एवं अंकल जी बिमल जी खेतान के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ। मैंने दिन रात मेहनत, अपनी लगन पूरी लगाई रखी, चाहे वो ट्रेनिंग का टाइम हो, चाहे वो पढ़ाई का टाइम हो, कभी भी खुद को पढ़ाई से दूर नहीं रखना चाहा, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान रखा और एक ही लक्ष्य रखा कि मुझे सीए बन के ही छोड़ना। मेरा पोता सीए हुआ, मुझे हार्दिक खुशी। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी सुरेश डालमिया के पुत्र मयंक ने भी सीए परीक्षा में सफलता हासिल की है। मयंक ने बताया कि उसकी सफलता में मेहनत के साथ साथ परिवार का भरपूर योगदान रहा। एंट्रेंस एग्जाम घर पर रहकर क्रैक किया, इसके बाद इंटरमीडिएट जयपुर से किया, इसके बाद वह मुंबई चला गया जहां पर आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल एग्जाम दिया, जिसके बलबूते पर आज सफलता हासिल हुई है। आज मयंक डालमिया मेरा सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री नंदलाल जी डालमिया चिड़ावा आज सीए की परीक्षा में पास हुआ है, यानी कि सीए बन गया है। इसने बड़ी दिन रात मेहनत की है, इसकी मेहनत में इसकी दादी के, दादा का, चाचा का, ताऊ का, ताई का बड़ा योगदान, मम्मी का बहुत योगदान रहा है। और मैं सभी बच्चों से और भी जो सीए बने हैं चिड़ाव में, उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति दे भगवान। सबको बधाई के पात्र हैं चिड़ाव में जो भी सीए बने। मैं मयंक डालमिया सन ऑफ श्री सुरेश डालमिया
मैं आज सीए की फाइनल में पास हो गया। मैंने पिछले 4 साल से सीए में एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर फाइनल तक 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई की है। साथ में मैंने घर वालों का और साथ में मेरे घर वालों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाई बहनों का पूरा योगदान रहा है। आज मैं सीए बनके इतना खुश हूँ कि मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे घर वालों की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ होम टाउन से रह के ही की, फिर मैंने इंटरमीडिएट जयपुर से की, फिर मैंने मुंबई से फाइनल की तैयारी की थी। साथ ही मैंने मेरी आर्टिकलशिप भी मुंबई से की थी। झुंझुनू के और भी कई युवा हैं जिन्होंने सीए परीक्षा पास की है। इसके बाद किसी के परिवार में 5-5 सीए बन गए हैं तो कहीं पर 2 भाइयों ने एक साथ सीए बनकर अपनी अलग उपलब्धि हासिल की है। इनमें कई प्रवासी परिवारों के युवाओं ने भी सीए बनकर झुंझुनू का नाम रोशन किया है। आइए अब आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से। रागिनी बेरीवाला परिवार की 5वीं सीए, झुंझुनू के मुकंदगढ़ निवासी और सूरत प्रवासी अलका संदीप बेरीवाला की बेटी रागिनी ने भी सीए एग्जाम किया है। रागिनी अपने परिवार की 5वीं सीए है। इससे पहले उनके चचेरे भाई अंकित और सिद्धांत भी सीए है, तो दोनों भाभी स्वाति और खुशबू भी सीए है। दूसरे हैं रौनक तुलशान, ऑल इंडिया 21वीं रैंक, 2 बहनें भी हैं सीए, झुंझुनू निवासी पूना स्वाति व बैंक ऑफ बड़ौदा में रीजनल हेड तेज प्रकाश उषा तुलशान के पुत्र रौनक तुलशान ने ऑल इंडिया में 21वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी चचेरी बहनें अर्पिता और अंकिता पहले से सीए हैं। तीसरे नंबर पर हैं कुंदन व विकास बेरीवाला, 2 भाइयों ने 7 क्लियर किया एग्जाम। आपको बता दें कि झुंझुनू के मुकंदगढ़ निवासी राकेश बेरीवाला के 2 बेटे कुंदन तथा विकास ने बाजी मारते हुए एक साथ सीए बनने का गौरव हासिल किया है। चौथे नंबर पर हैं निकिता खुशी व अजय, झुंझुनू के उषा संपत गाड़िया की बेटी निकिता गाड़िया तथा अशोक मोनिका खंडेलिया की बेटी खुशी ने भी सीए बनकर परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इसी प्रकार बिशनपुरा निवासी अजय कुमार जांगीर व पुत्र पुष्कर लाल जांगीर ने सीए बनकर न केवल परिवार व समाज को अपितु झुंझुनू को भी गौरवान्वित किया है। 5वें नंबर पर हैं मंडरेला के अनीता और पुनीत। आपको बता दें कि झुंझुनू के मंडरेला निवासी अनीता कंवर पुत्री वीरेंद्र सिंह निर्वाण ने सफलता प्राप्त की है। अनीता के पिता वीरेंद्र सिंह निर्वाण खुद एक व्याख्याता है और मंडरेला की लाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। वहीं दूसरी ओर पुनीत कुमावत पुत्र रामचरण कुमावत ने भी गांव और परिवार का नाम रोशन करते हुए सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पुनीत के पिता रामस्वरूप कुमावत एक मेडिकल स्टोर पर कार्यरत हैं और उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने बेटे को सीए बनाया है। वैसे भी कारोबार में मारवाड़ियों ने हमेशा अपनी धाक पूरे देश में रखी है, तो वहीं अब झुंझुनू समेत सीकर चूरू पूरे शेखावाटी के युवा बड़ी संख्या में सीए बनकर अपनी धाक जमा रहे हैं। इन होनहारों के अलावा नवलगढ़ में कपड़े की दुकान चलाने वाले रिछपाल सैनी की बेटी ज्योति सैनी, नवलगढ़ के ही मोटर पार्ट्स व्यवसायी पवन सिंह डोड़िया की बेटी तनिषा सिंह डोड़िया, मुकंदगढ़ के पूर्व चेयरमैन कजोड़ मल कामदार की पोती व व्यवसायी विष्णुकांत चौखानी की बेटी सचिता चौखानी, झुंझुनू के नेहरू मार्केट के समीप 6 हवेलियों के पास रहने वाले राजेश नविता टिबड़े की बेटी राधिका टिबड़ा, जोशियों के गट्टे के पास रहने वाले रामचंद्र महमिया के पुत्र मेहुल, माननगर में रहने वाले उमेश गाड़िया के बेटे राहुल, राहुल की बहन अंजलि, पिलानी के मनोज जांगिड़ की बेटी नेहा, चिड़ावा के ग्यारसीलाल मोदी की बेटी साक्षी, संजय मालानी की बेटी साक्षी मालानी, सूरजगढ़ के खेदड़ों की धाणी के अंकुर खेदड़, सूरजगढ़ के ही सियासत शास्त्री के बेटे नीतीश व सुंदरलाल कुमावत के बेटे शेर सिंह ने भी सफलता हासिल की है।